नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में आज जैसा चौधरी राकेश टिकैत ने खतौली महापंचायत में ऐलान किया था, अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया है। राकेश टिकैत से नाम दे रहे हैं एक तरीके से मोर्चा का, क्या तैयारी है चौधरी साहब आज के आंदोलन? आज की सलाह कर रहे हैं, यहाँ पर लोग आ गए हैं, ये पक्के मोर्चे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में लगेंगे। यहाँ से ही समस्या जो है वो सरकारों को बताई जाएगी। इसमें मोर्चा लगने में एक दो दिन का समय लगेगा इसमें पूरा, क्योंकि जब पक्के मोर्चे लगते हैं तो किस चीज़ की कमी है उसका कैसे सुधार होगा, तो इसमें एक दो दिन यहाँ पक्के मोर्चे लगाने में लगेगा टाइम। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप आज से इस आंदोलन के मुद्दे हैं? बिजली का इशू है, गन्ने का है, आवारा पशुओं का है, लोग तंग हो गए बिल्कुल, गाँव में अधिकारी कोई सुनते नहीं, अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए, जो कुछ जानकारी हो उनके ट्रांसफर कर देते हैं, लोगों पर मुकदमे लिखे जा, जेलों में बंद हैं। तो ये जो गलत तरीके से सरकारें मुकदमे लिख रही हैं, भाई सभी किसान भाई तो बैठने का काम करें, यही सारे इशू यहाँ पे रहेंगे, अभी बातचीत करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से देखने में आया कि आज तो कारों से ज्यादा किसान यहाँ पहुंचे, ट्रैक्टरों की संख्या, अपने टेंट गाड़े कार से आ तो टेंट गाड़ अपना टेंट गाड़ो, यहाँ पे रुकने का स्थान बनाओ। आंदोलन लंबा चलने वाला है, लंबा चलेगा आंदोलन, लंबा चलेगा। तो ये थे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि आंदोलन लंबा चलेगा और इसी ग्राउंड से अब किसानों के हर मुद्दे की आवाज जो पूर्ण तरीके से उठाई जाए।